नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज टॉर्क ऑफ फोर्स 2i cap - 3j cap + 4k न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट 3i cap + 2j + 3k मीटर अबाउट द ओरिजिन विल बी. तो हमें आर दिया है, एफ दिया है, हमें टॉर्क निकालना है. अपने को बात पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो एक्चुअली हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है. नाउ एफ वेक्टर को सबसे पहले लिख लेते हैं. एफ वेक्टर इज 2i cap - 3j cap + 4k cap. ये अपना एफ वेक्टर है. आर वेक्टर को अगर हम लिखेंगे, सो आर वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i cap + 2j cap + 3i cap + 2j cap + 3k cap. ये अपना आर वेक्टर है. हमें टॉर्क बताना है जो कि होता है आर क्रॉस एफ. ऑलराइट, सो इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है. क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई जे के ऐसे लिख लेंगे, और पहले क्योंकि आर क्रॉस आर वेक्टर है तो आर के कंपोनेंट्स लिखेंगे. सो दिस विल बी 3, 2, 3. उसके बाद एफ है तो एफ के कंपोनेंट्स आ गए 2 - 3, 4, और इनको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आई कंपोनेंट निकालने के लिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो टॉर्क वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई किया सो दिस विल बी 8 - ऑफ 9, तो ये प्लस हो जाएगा 9i cap + j वेक्टर. वो कंपोनेंट निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करें. सो दिस विल बी इक्वल टू 6, उसमें से माइनस करें, -12j cap + उसके बाद k निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें. सो दिस विल बी -9, उसमें से माइनस करेंगे हम 4, ये k हो जाएगा. सो विच एम्प्लाइज अपना टॉर्क वेक्टर जो आ गया, इसको ऐड करके अपना टॉर्क वेक्टर आ जाएगा. सो 8 + 9 विल बी 17i cap. 6 - 12 विल बी इक्वल टू -6j cap, और -9 और -4 हो जाएगा -13k cap. सो दिस विल बी आर फाइनल टॉर्क वेक्टर. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 17i cap - 6j cap - 13k cap विल बी द राइट आंसर.